संस्कृति बिहार के साथ आप ब्लॉग बनाती है नहीं फिर से क्या सब पहले अपना यहाँ प्रेस ये बुलाइए इनसे पहले बात कीजिए अपने मतलब आप लोग अपने में लड़ाई कीजिएगा तो हम क्या अपनी बात रख पाएंगे बात रखिए पहले बात रखिएगा कोई मत बोलिएगा प्लीज कोई मत बोलिएगा मुंह मत खोलिएगा आरती जी आज आपने प्रेस रखा इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य यही है कि हम बहुत मतलब ऐसे गलत चला रहे हैं बहुत अब मीडिया वाले हैं कि क्या है हम तो उतना देख नहीं पाते हैं तब पर हमको उतना मोबाइल भी नहीं देखने को मिलता है मैं बीमार रहती हूँ एनी टाइम और जिस हालात से मैं गुजरी हूँ एक आदमी को उंगली कट जाता है एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ उंगली कट जाता है तो आदमी को उतना चोट पहुँचता है कि उसका दर्द सहन नहीं कर पाते और मेरा एक परिवार उजड़ गया है मेरा परिवार पूरा बिछड़ गया है मेरा प्यार भी पूरा टूट गया है चले गया है और एक मैं उमेश यादव मेरे बाप के सहारे राधा देवी मेरी माँ के सहारे जी मतलब ऐसे जिला के रखे हैं क्या आप लोग चाहते हैं कि ये भी अभी भी खत्म हो जाए इस तरह का इतना अफवाह फैला रहे हैं कि जैसे कि अभी कूद के जान गंवा दी है आरती दशहरा का मेला गई है देखने अभी इस तरह का हम सबसे यही विनती करते हैं हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि इस तरह का कोई भी अफवाह ना फैलाए इतना गंदा मत फैलाइए जिससे कि समाज तक बहुत बुरी प्रभाव पड़ता है तो क्या हाँ तो एकदम झूठ है आप हकीकत देख रहे हैं ये भी बोल रहे हैं कि शादी होगी आप लोग हकीकत देखिए जो भी चलाना है हकीकत चलाइए और वही हकीकत चलाने के लिए अपना हम यूट्यूब चैनल खोले हैं देखिए उस चैनल का आरती छोटू लव है चार गो चैनल है आपका एक ही चैनल है आपका चार चार गो चैनल देख रहे हैं कि इस तरह का मतलब मत बनाइए अब चैनल भी बनाया तो आरती छोटू का नाम से आरती छोटू का नाम से उस पे मेरा भी मतलब फिगर उस पे चिपका दिया .32 इतना है तो देखिए दोस्तों इसमें जो आरती छोटू लव में 1,32,000 सब्सक्राइबर है इसके अलावा सब चैनल फेक है हाँ, सब चैनल आप के साथ क्या नाम चैनल का उनका वजह क्या है बताइए टेबल इसी वजह से तो दो टाइम रखे संस्कृति बिहार के साथ आप ब्लॉग क्यों बनाती है आप खुद अकेले में क्यों आरती जी एक और सवाल सवाल पूरा नहीं हुआ सवाल पूरा नहीं हुआ छोड़ दीजिए मुद्दा छोड़ दीजिए आप लोग हम आपसे कुछ सुनिए हम ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं आरती जी एक क्वेश्चन आरती जी एक क्वेश्चन है प्लीज प्लीज आप लोग सुनिए आप लोग इतने हल्ले की जगह तो हम अपनी बात नहीं रखते नहीं प्लीज आप लोग का भी क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहे ठीक है एक क्वेश्चन है जैसे आपका ब्लॉगिंग का आइडिया जो दिया कहीं ना कहीं उनका ही है अच्छा एक तो बात बच्चे को चला अरे सुनिए आप क्वेश्चन अलग कीजिए ना सर एक सेकंड एक सेकंड आरती जी एक सवाल है आरती जी एक सवाल है आरती को गलत नहीं है अरे शांत भैया ना आरती जी एक सवाल है पत्रकार के पत्रकार भाइयों का एक सवाल है कि आरती को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो अपना चैनल तैयार कर ली और उसमें आती है ब्लॉगिंग करती क्या जरूरत पड़ गई आरती को जरूरत इसलिए पड़ गई कि मेरे पे मतलब ऐसे बहुत फेक न्यूज चला रहे थे और हकीकत नहीं जानने वजह से मतलब बहुत ऐसे देख रहे हैं कि शादी हो गया कूद करके जान गंवा दी इस सब के लिए हम अपने मतलब सच्चाई जहाँ तक कि हम अपना दे पाएंगे कोई मीडिया कर्मी नहीं आएंगे तो हम अपना अपने चैनल पे दे पाएंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि आरती नितिन को तो पहुँचाने के लिए आप अपना खुद का चैनल बनाए हैं तो क्या उस न्यूज से बचने के लिए तो क्या उन चैनल पे आरती नितिन अपना वीडियो डालेंगे और अपने गतिविधि को अपने चैनल के माध्यम से बिहार की जनता देश की जनता को बताएंगी हाँ हम बताएंगे मतलब उस तरह का जो बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट आने लगा था तो हम इस बीच में छोड़ दिए थे लेकिन हम करेंगे अच्छा आरती जी एक और सवाल है आपके घर एक बहन आती है ब्लॉगिंग करती है कई मीडिया के साथी आपसे लगातार सवाल पे सवाल कर रहे हैं क्या उनका क्या कुछ कारण रहा जिस कारण से ब्लॉगिंग करती नहीं है वो मान के चलिए कोई बच्चे अगर जब खड़े होते हैं तो उसको कोई एक सहारा मिलता है चलाने के लिए तो इसी तरह मतलब बता रहे थे हमको कि इस तरह करेगी कोई सपोर्ट कर रहे हैं सिखा रहे थे इस तरह कोई उसका मुद्दा नहीं कर रहे हम अपने बना रहे हो गया ना सबका सवाल ना हमको बोलना मतलब वो इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं
क्या ये एक माध्यम वो आपको बता रही थी कि इस तरीके से ब्लॉगिंग करना है? अच्छा चलिए, और एक और सवाल है आरती से कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है, लगातार हम लोगों के वीडियो में कमेंट किया जा रहा है कि आरती इस घर में कब तक रहेगी और कब तक इस घर में वो बनी रहेंगी, ना शादी को लेकर वो क्लियर करती है, ना कामकाज को लेकर क्लियर करती है, लेकिन आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि आरती इस घर में कब तक रहेगी और अपनी शादी को लेकर आरती क्या कहना चाहती है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? सबसे बड़ी सवाल है, हाँ, कमेंट भरा पड़ा था। अरे सुनने दीजिए ना आप लोग, खाली बोलते हैं आप लोग। हम तो बोल रहे हैं, आप जो क्वेश्चन पहले भी बोले, जो क्वेश्चन कीजिएगा उसका हम जवाब देंगे। ये बात जो बोले कि शादी के लेकर के, अभी तक हम अभी न्याय की मांग कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शादी का बात हम करेंगे ही नहीं। न्याय में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी बाकी है, तो क्या 2 की गिरफ्तारी करके ही आप कहीं ना कहीं शादी के मुद्दे पे अपनी बात को रखेंगे? होगा तो रखेंगे, अभी तो नहीं रख पाएंगे। अच्छा एक और सवाल है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आरती जिन अपने परिवार की ना हो सकी, आखिर वो कब तक और इन परिवार को वो कैसे हो सकेंगी? इसको ऐसे सवाल का जवाब आरती कैसे दे पाएंगे? ये भी सवाल है। क्या बोलें? सवाल ये है कि आरती अपने माँ बाप की ना हो सकी तो आखिर छोटू के परिवार को वो कैसे होंगी? ये सवाल लगातार हम लोगों से पूछा जा रहा है और मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। माँ बाप की होने की इसमें क्या बात है, जहाँ तक सच्चाई, हम सच्चाई के लिए है। क्या सच्चाई? सच्चाई है कि वो मतलब ऐसे की है तो हम उसका खिलाफ हुए, तब ना इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप की नहीं हुए, उसका खिलाफ लड़े तब ना माँ बाप की नहीं हुए, तो हम रहेंगे जब तक हम तब तक रहेंगे। आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो एक व्यक्ति अच्छा, एक सवाल पूछे। आपका जो अब जिस में काम कर रहे थे सीएम पद में, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ अभी तक तो हम मतलब उधर से खबर नहीं, पहले ही आया था क्या काम करेगी तो हम नहीं चल पाते, अभी नहीं उधर निकल पाते, हम पे भी बहुत तरह का दबाव वैसे होता है, तो अभी हम घर से निकल नहीं पाते, तो सीएम का काम कैसे कर पाएंगे? छोटू के परिवार का कितना प्यार सपोर्ट, छोटू के घर आप रह रही हैं, प्यार सपोर्ट सने कितना मिल रहा है छोटू के परिवार की तरफ से? सही, यहाँ आपको बाजार बस्ती तो नहीं रखा जा रहा है? नहीं नहीं मिल रहा है, बहुत तरह का प्यार। तीसरी बार आपके चेहरे पे हंसी देखा गया है, क्या कहेंगे, इस हंसी का क्या राज है? अब क्या करें भाई लोग, हंसी का यही राज है। मेरा उमेश यादव का कहना है कि इस घर में जब तक रहेंगे खुशी, हंसी खुशी रहो तो हम भी खुश रहेंगे, उसको खुश देखना चाहते हैं, मेरा कहना। अच्छा एक सवाल है छोटू के पिताजी से, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइट लाइट अगर मान लीजिए भविष्य में आरती को आप रखे हुए हैं और आरती इस वक्त आरती काहे हल्ला करने लगते हैं? देखिए आरती इस वक्त जा रही, आरती आरती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, आप 2 मिनट एक सवाल है छोटू जी के पिताजी से सवाल है, अगर आप आरती को रखे हुए हैं और इसके चलते आगे चल के मान लीजिए कोई जाने अनजाने में कुछ और अनहोनी हो जाएगी, आप जैसा कहते हैं कि धमकी आ रहा है, बराबर धमकी आता है, तो फिर आरती को रखिएगा या नहीं रखिएगा? देखिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसको रखेंगे, अब इससे आगे क्या होगा इससे आगे क्या होगा तो समय बताएगा, हम क्या बता सकते बता रहे हमरा कमा क्या खेती या खेती पकाओ ना देते हमरा घर से, ठीक है इसी घर में आती रहेंगे सब दिन, सब दिन उसको प्यार मिलते रहेंगे, इसको कोई तरह का इसको दिक्कत नहीं होगा। बेटा को तो बेटा है, बेटा छे हमर, बेटी नहीं छे बेटा छे। अरे भाई हैं सब जिन लोग कातिल है सबको फांसी मिलना चाहिए सर, हम इतने सबको बोल रहे हैं, सब मीडिया वाले भाई को बोल रहे हैं। गमगीन क्यों हो रही है, आंखों में आंसू है, कौन है आरती का? कौन नहीं हुआ छोटू का? कौन हुआ मोबाइल को आप सबका मोबाइल छोटू का बहन, छोटू की बहन। चलिए देखिए इस बार छोटू के बहन के आंखों में सवाल है, आज के बाद आप मीडिया के सामने आइएगा या नहीं? लास्ट सवाल है, जब तक नहीं दिया नहीं मिलता है तब तक मीडिया को मिलते रहेगा। फिर सबको दीजिए ना बयान, सबके चैनल पर दीजिए, किसी को आप अपने दरवाजे पर से वापस कर देते हैं, किसी को बयान देते हैं, किसी के साथ आप ब्लॉग शूट करते हैं, सबको मिलेगा सवाल। देखिए यहाँ पे एक चीज और कह देना चाहते हैं, सभी सभी पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई भी अगर आगे से आते हैं यहाँ पर और किसी को भी लगता है कि आरती घर में है और हमें मिलने नहीं दिया गया, बैट नहीं लेने दिया गया, तो वो ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिएगा और हम लोग भी सभी मीडिया बंधु जाएंगे और क्या सच्चाई है वहाँ पे हम लोग। अच्छा आरती जी एक सवाल है, अंतिम सवाल है आपसे,
कि कुछ मीडिया के साथी का ये आरोप है कि आप जो है हर एक चैनल पे नहीं आती हैं, परेशानियां क्या आ जाती हैं, दिक्कतें क्या आती हैं, बात क्या है कि आखिर आप सबके सामने नहीं आती हैं? सबसे पहली बात है कि मेरी तबीयत सही ढंग से ठीक नहीं रहते हैं कभी। अब जिस रोज एनी टाइम, ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम मतलब सही रहते हैं, तो जिस रोज जैसा होता है उसमें जाते हैं। चोर से कखनो गर्चेत भ जाए छे, उ त ये टका अपने कख लिया है कि हम किसी भी चैनल पे नहीं दिए हैं, तो हम इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। या रोज एक टका रोज देते तो रोज देता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, बोल देते क्लियर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।